Foreign exchange rate is the chapter's name. Before we discuss about foreign exchange rate, थोड़ा ध्यान पूरा 100% इधर ही. First we should know what is foreign exchange. So according to you, what is foreign exchange? किसी भी दुनिया की बाकी करेंसी को क्या कहेंगे? अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, ऑल द करेंसीज आर फॉरेन एक्सचेंज. अब क्वेश्चन आता है रेट. तो रेट वो होगा एट विच वी आर एक्सचेंजिंग वन करेंसी विद दी अदर. यही मीनिंग है. What is foreign exchange? Currency, domestic currency, other than domestic currency, all the currencies are foreign exchange. पूरा 100% इधर. ये चैप्टर हाथ से निकल जाता है. Other than domestic currency, all the other currencies are foreign exchange. What is the rate at which we are exchanging one currency with the other? अब ये सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ एक्सचेंज वाला? ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ होगा. पहले तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपनी अपनी कंट्री में खुश थे, चाहे वो मेटालिक करेंसी यूज करें, चाहे कमोडिटी, किसी को क्या लेना. लेकिन धीरे धीरे हम जुड़ने लगे. जब हम जुड़ने लगे तो नीड आई कि भाई अब एक दूसरे की करेंसी कैसे एक्सेप्ट करें पता नहीं, तो उसे एक्सचेंज रेट पे फिक्स किया गया. इनिशियली व्हाट वाज द मेथड? यस, ये तो गोल्ड बीइंग द प्रेशियस मेटल अक्रॉस द ग्लोब. डू यू एग्री? हर जगह कहीं भी जाइए, एक्युमुलेशन अगर किसी वेल्थ का किसी मेटल में करना हो तो क्या प्रेफर करते हैं? हर जगह के लोग, हर जगह के, अमेरिका जाओ वो भी गोल्ड, चाइना जाओ वहां भी गोल्ड, हम भी गोल्ड. सो गोल्ड वाज द प्रेशियस मेटल, अभी भी वही है. कैसे फिक्स होता था? गौरी आपको दिखेगा वहां बेटे इधर बाहर को. हाँ, हम कैसे फिक्स करते थे? देखिए, हम कहते थे 10 ग्राम गोल्ड को टारगेट कर लिया. से 10 ग्राम गोल्ड इन इंडिया इज कॉस्टिंग 30,000 रुपीज. इतना ही है ऑलमोस्ट 30,000. If I go to Dubai, it is costing me 3,000 dirhams. मुझे पता नहीं उसका साइन कैसे होता है. ठीक है? It means अगर 10 ग्राम गोल्ड यहाँ लो तो इतने के, 10 ग्राम गोल्ड वहां लो तो इतने का, तो ये इसके बराबर हो गया. बराबर हो गया ना? ऐसे ही से 30,000 रुपीज जो है इंडिया में ग्राम 10 ग्राम गोल्ड कितने का? 20,000 का. क्या चल रहा है? फिर इधर ध्यान दें. और अगर मैं चाइना में जाऊं तो वो 300 युआन का, तो 30,000 रुपए किसके बराबर हो गए? पहले ये मेथड था कि भाई पता कैसे चले किसकी करेंसी कितनी है. बोला गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, इसके वर्सेस चेक कर लो. लेकिन ये ज्यादा देर चला काफी सालों तक. लेकिन फिर आई नींद आई कि गोल्ड को तो एक मेटल है. ठीक है, मेटल के बेसिस पे ठीक है, फाइन चल रहा था सिस्टम अच्छा. लेकिन हमें इसको चेंज करके कोई ना कोई करेंसी कोई रखना चाहिए. देयर शुड बी सम इंटरनेशनल करेंसी. क्योंकि जब आप एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो कुछ तो एक्सचेंज करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे कॉमन करेंसी रख लेनी चाहिए रादर देन गोल्ड. क्योंकि फिर एक्युमुलेशन ऑफ गोल्ड की दौड़ बढ़ गई. अब सबको लगा ये प्रेशियस है ना, सबने. और फिर उसकी वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी क्योंकि गोल्ड बड़ा प्रेशियस है. हर चीज पे ही नेगेटिव इफेक्ट होगा. सो दे ट्राई टू चेंज एंड दे वर सक्सेसफुल. नाउ हु रिप्लेस गोल्ड? डॉलर बीइंग द इंटरनेशनल करेंसी इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब. अगर आप दुबई जाए, आपके पास दिरहम नहीं भी हो, डॉलर हो तो काम चल जाएगा. चल जाएगा, क्योंकि दैट इज द इंटरनेशनल करेंसी, एवरीवन एक्सेप्ट्स दैट. ओके, सो डॉलर आया कहां से? डॉलर ही क्यों भाई? व्हाई नॉट स्टर्लिंग पाउंड, व्हाई नॉट युआन, व्हाई नॉट इंडियन रुपी? तो रखा गया जी, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए. डेवलप तो बहुत सारे हैं, रशिया जापान बड़े. कैसे ज्यादा है, कहां से ज्यादा हो गई? ये तो हमने जब इसको फिक्स कर दिया तो इनकी वैल्यू बढ़ गई है ना, कि भाई ये इंटरनेशनल करेंसी है. इसके बहुत सारे पैरामीटर्स फिक्स किए गए जो कॉमन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे IMF है, WTO है, UNO है, USSR है. ये सबने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ पैरामीटर्स फिक्स करते हैं. तो हमारे स्कूल में जब मॉनिटर चूज होता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि नहीं? एक सबसे बड़ा
सबसे क्या होना चाहिए मॉनिटर में? ऑलराउंडर में सबसे पहले तो टॉपर होना चाहिए, एंड लैबर भी बना दे तो फेल हो रहा है मॉनिटर बन जाना है, नहीं सबसे पहले मार्क्स क्राइटेरिया होता है, नहीं होता होता है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों उसके, द पर्सन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर्स, लीडरशिप स्किल्स, ये शायद आपको नहीं पता, बीइंग द टीचर आई नो बिकॉज वी यूज्ड टू सर्च द मॉनिटर इन द क्लास एंड यूज्ड टू सर्च दीज पैरामीटर्स ओनली एंड मेनी अदर, ठीक है ना, डिसिप्लिन्ड हो, बड़ी सारी चीजें ऐसे ही जब बनाया गया तो लिस्ट बनाई गई कौन होगा, तो रखा गया जी बंदा बिगेस्ट बायर होना चाहिए, बिगेस्ट सेलर होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे जब लड़ाई होती है दो बंदों की फिर वो मॉनिटर के पास अभी देख ले अब पंगा ले रहे हैं अब ठीक कर लो, ऐसे जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है अपने अब अमेरिका कुछ क्या प्लान करने देखो ठीक कर लो तो फिर आप कर लगे ऐसे, बस सेम एक्शन होता है, उनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी जैसे सीरिया में इतना बड़ा वो बगदादी का पंगा चला, दे शुड हैव द कैपेसिटी एंड गट्स टू सॉल्व दैट, दैट्स देयर ड्यूटी, तो ये सब उन्हें करते होना चाहिए, बट वो कभी कभी पार्शियल भी होते हैं, मॉनिटर्स भी तो होते हैं, चाहिए भी होंगे, ये भी कई जगह पार्शियल है कई जगह नहीं है, ठीक है वो हम लेटर डिस्कशन है उनका कोई मतलब नहीं। हाँ richest country कौन सी है? Which is the richest country? US richest नहीं, strongest है। Where is the richest country? Gulf countries में। देख one they have oil, huge reserve, UAE। Okay, दूसरा देख gold बोला जाता है वहाँ radio में दिखता है, ऐसे बोलते हैं इसमें gold mines, दूसरा oil, दो major reserve लेके बैठे हैं। They are the richest, second richest is England। बहुत ज्यादा है उनको क्यों नहीं डॉलर के तरफ, डॉलर हमारे अगर हम डॉलर वर्सेस देखें तो वो उल्टा कट है, स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू ज्यादा है बेटा डॉलर से, वो क्यों नहीं, इसका मतलब वैल्यू इज नॉट द क्राइटेरिया, वैल्यू इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिचेस्ट कंट्री एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, तो जब रिचेस्ट कंट्री की रेस हो तो भैया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जब आई बात स्ट्रॉन्गेस्ट की तो दीज वर दी पैरामीटर्स, यस लेकिन फंड्स उनके पास भी होने चाहिए, ठीक, तो ये सारे पैरामीटर्स थे। सबसे पहले तो कुवैत से पूछा गया वो दे वर रिजर्व, दिस इज वी आर हैप्पी विद आवर ओन सिस्टम, नॉट इंग्लैंड के पास पहुंचे भाई तुम बनना चाहोगे, हो गए सॉरी, कुछ रिच होते हैं ना थोड़े प्राउडी से होते हैं, होते हैं ना कुछ रिच, हमने हमको ज्यादा ही समझना पता नहीं ऐसी की है, हम किसी से बात नहीं करते, वो मोहल्ले में होते हुए भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते, बस दैट वॉज द केस विद इंग्लैंड, वो यूरोप में होते हुए भी यूरोपियंस नहीं है, वो यूरोप फॉलो नहीं करते ना कभी किया, अब तो ब्रेक्सिट किया पहले भी नहीं किया, फिर वो बड़े प्रेशर होने पर यूएसएसआर के प्रेशर के बाद इन्होंने बीच में एंटर कर लिया, लेकिन तब भी यूरो यूज नहीं होता था कुछ जगह, यूरो बेसिक करेंसी उनकी स्टर्लिंग पाउंड रही, फिर उन्होंने अब ब्रेक्सिट हुआ कुछ साल पहले एंड दे एग्जिट अगेन, व्हाई दे एग्जिट लॉन्ग स्टोरी, वो फिर किसी दिन यूरोपियन कंट्रीज के ऐसे मिली थी क्या हुआ था वो फिर किसी और दिन अगर टाइम मिला तो समझाया जाएगा, सो वी आर कमिंग बैक टू दिस, तो डॉलर को प्रूव कर दिया कि भैया ये होगा, ठीक ये फाइनल हो गया, अब हम सारी की सारी कैलकुलेशन किस में देखते हैं, डॉलर बीइंग द इंटरनेशनल करेंसी, जब भी हमें ऑयल चाहिए गल्फ कंट्रीज से वी व्हाट डू वी पे इन रिटर्न, डॉलर्स, और अब अगर हमारा स्टेटस चेक होता है फॉरेन कंट्रीज में वो किस में चेक होता है, मेजरली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और मेनली ऑल फाइव कंट्रीज, मेजरली फाइव कंट्रीज हैं जिनके रिजर्व्स हम मानते हैं, उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स है, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच रिजल्ट्स इनटू फिक्सिंग द प्राइसेस, हाउ डू दे फिक्स, देयर इज अ सिलेबस का पार्ट है फिक्स करना, लेकिन अभी हम समझते हैं पहले ये हुआ क्या, ठीक है धीरे धीरे चलेंगे, रूल बन कौन फिक्स करता है, बैठा है क्या होता है वो देखो, अब हम आए से डॉलर वन, अच्छा इंडिपेंडेंस के टाइम पर हम बराबर स्ट्रॉन्ग देश, फिर किसी ने मेरे से पिछले बैच में पूछा फिर हमें क्यों नहीं मौका मिला स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का, अगर कहीं ये हम ये स्लेवरी में नहीं होते तो आई थिंक हम ही थे सुपर पावर, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा भी था, हम वैसे ही फ्रेंडली कंट्री हैं, बिगेस्ट बायर सेलर भी बनी जाते, लेकिन इतनी लूट हुई 47 में जब हमें कंट्री मिली तो इट वॉज इन डीप डेप्थ पॉवर्टी बिकॉज एवरीथिंग वॉज लूटेड, व्हाई ब्रिटेन इज सो रिच नाउ राइट नाउ,
सारी जगह जगह लुटे जो है उसने, गुरिज कैसे हैं, लूट लूट कर, है ना। मैं पिछली बैच से बात कर रही थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक नई मूवी आई है, दैट इज बेस्ड ऑन कि उन्होंने, वैसे अभी उसमें तो उन्होंने ज्यादा नहीं दिखाया, तो मैंने इसका रिव्यू पढ़ा है। एक्चुअली जो यूरोपियन ये तो करते थे, यूरोपियन कंट्रीज और ये ब्रिटिशर्स जो करते थे, उनका रूल क्या होता था, वहां जाओ, वहां के सिस्टम को रूइन कर दो और खुद राज करो और उनके पैसे लेकर भाग जाओ। उनकी तो लड़ाइयां हमने पढ़ा था पिछली बार, ब्रिटिशर्स कितनी वॉर्स होती थी, उसी में पैसा लगाते रहते थे हमारा, हमसे लिया हुआ पैसा उसी में, हमारी जितनी वहां पर वो जो क्वीन की वो है म्यूजियम है जो वहां, उसमें क्या पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ की जो सुनाया हुआ सामान है, हमारे यहाँ का कोहिनूर है, कोहिनूर के अलावा भी जितने ऑर्नामेंट्स और बाकी चीजें रखी हुई है वो सब यही से, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज से लूटा, सो दे बिकेम रिच। अगर हमें कहीं पहले स्लेवरी से पहले मौका मिला होता तो शायद हम ही होते, लेकिन हमें उस डीप डेप्थ पॉवर्टी से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और भी बड़े तरीके हैं जिससे हमें वो तुम्हें नहीं दिया जा रहा, वो हम डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक रुपया तो नहीं लेते, चलो अब हमारा आज का रेट क्या है, 73.72 है आज का, एक रुपए से 70 हुआ कैसे, 70 साल में ये हुआ कैसे, हमने जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ कि भाई हम छोड़ तो ठीक है, हमें आजादी तो मिलगी, हमारे पास पैसा तो कुछ है ही नहीं, तो हमें ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड बैंक प्लीज आप हमें लोन दे देंगे, और कोई बात नहीं, चले आपका बैठे सोशल सर्विस कर रहे हैं, ले दे, लेकिन साथ में एक क्लॉज लगाया गया, हम जो कहेंगे वो मानना होगा। हम नीड में थे, चॉइस थी नहीं, क्या किया, ओके ठीक है। अब हम दूसरे ही साल वहां लोन मांगने चले गए ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरे ही साल उन्होंने कहा कि एक काम करो जरा, ठीक है लोन ले दो, पैसे ले, कोई गल नहीं, आप अपनी जरा करेंसी की वैल्यू 30% से गिरा दो पहले झटके में। तो हमारे पास वी हैड नो चॉइस, वी हैड द एग्रीमेंट, वी हैड टू लिसन टू देम। ऐसे करते करते आज हमारी हालत ना है, वर्ल्ड बैंक इसका अमेरिका, वर्ल्ड बैंक में G8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, व्हाट आर G8 कंट्रीज, ग्रुप 8 कंट्रीज, जरा जाके सर्च करना G20 और G8, बड़ा कुछ है जानने के लिए, जानना शुरू करें। G20 में इंडिया है, G8 में नहीं, G8 इज द मेजर डेवलप्ड नेशंस, उन्होंने मिलकर ये वर्ल्ड बैंक बनाया था पूल करके, मेजर पेमेंट उसमें जो पैसा है वो कौन डालता है, वो 8 कंट्रीज, ठीक, उस 8 कंट्रीज से ही उसका हेड डिसाइड होता है, उनका जो हेड बनेगा वर्ल्ड बैंक का वो कहां से होगा, उस 8 कंट्रीज में से होगा। अब वो हमें अब दिखाने के लिए, जब भी ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो क्या दिखाया था उन्होंने, कि वो यहाँ हमारी भलाई के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं, ऐसे ही उन्होंने लोगों को, क्योंकि इतना देखो ना, तो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, ऐसे बोलने के लिए कि देखो वैसे तो वर्ल्ड बैंक हमने 8 लोगों ने खुला है, बट तुम्हें हेल्प चाहिए तो ले लेना, दिखाया तो यही, लेकिन ऑन सर्टेन कंडीशंस। उन्हें फायदा क्या हुआ, अमेरिका इज फिक्सिंग द कंडीशंस, ऑफ कोर्स दे डजंट वांट अस टू ग्रो बिकॉज़ वी हैव द कैपेसिटी टू बिकम इक्वल टू दैट कंट्री, इसलिए वो चाहते नहीं हम उठे। अब उससे उनको क्या फायदा होता है, हमारा क्या होता है, वी डिस्कस, फिर अगली बार कम होते 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 इंदिरा गांधी के टाइम पे 35% का स्लैश आया। मैं आज शाम तक एक चार्ट दे चुकी, मैंने एक डेटा निकाला था कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर कितने परसेंट का फॉल हुआ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आई थिंक 300% है, मतलब वो उस टाइम से और आगे वाले भी परसेंटेज। मैंने सुना कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्राइम मिनिस्टर बनने की लाइन में सो आगे का लाल बहादुर शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चक्का गायब ही हो गए, लोग नाम लेते जो दो दो बीच बीच में आ रहे थे वो सब गायब है, वो मरे कैसे ये नहीं पता। कितनी देर के लिए कौन कैसे मरा था किसको नहीं पता, सबको पता है। फिर इंदिरा गांधी, मैं आगे भी बोला इंदिरा गांधी क्यों, गांधी कैसे भी तो फिरोज खान से शादी थी, खान होनी चाहिए थी, खान चक्का
तो गांधी का नाम कहाँ से आया? तो गांधी जी ने बोला चलो जी मेरी कास्ट लगा लो, लगा लिया। जो जो बीच में आता गया, संजय खान जो इनका बेटा था वो ही बस दो थे ना, राजीव गांधी एंड संजय गांधी। तो संजय गांधी वाज वेरी डिसिप्लिन्ड टाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ वो बड़े सिस्टम से था, वो भी गया वो प्लेन क्रैश, पता नहीं चला कब हुआ और कैसे हो गया, थोड़ा सा खंगोलो तो पता चलता है क्या क्या इनकी हालत है। मैं आगे बता, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना भाई है, बताया था ना सोनिया गांधी का क्या करेक्टर था, कहाँ से आई थी, पार्टी तो मैं अब तो बीजेपी से बोल रही हूँ, बीजेपी नहीं मोदी से बोल रही हूँ, बीजेपी कोई पार्टी ऐसी है ही मोदी सपोर्टर हूँ। यस आई एम। हाँ जी ओके ओके वापस आए, क्या हुआ रैली करने चलेंगे, चलिए अब इस पे आते हैं। हेलो अब 30 से 70 हो गया, हम रिज्यूम कर रहे हैं 30 से 70 हो गया, इसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं या डेप्रिसिएशन? इसे हम डेप्रिसिएशन। मैंने ऐसे एग्जांपल ले ली कि 30 से 70 हो गया, 1 से 70 हो गया तो भी डेप्रिसिएशन, 40 से 70 हुआ तो भी डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। मैं सिखानी है डेप्रिसिएशन का, इसलिए मुझे वहां आना है। अब इस टर्म को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ओके। अब ऐसी डेप्रिसिएशन से पेपर में जो सिलेबस में आपको है वो क्या कि डेप्रिसिएशन होने से क्या इंपैक्ट होता है, पहली बात तो इसका इंपैक्ट किस पर होता है, जनरल पब्लिक पे। आज डॉलर बढ़ गया कि घट गया, अपन के घर पर नाम हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है, बस किस पे पड़ता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि वी आर द वंस इस पे कितने टूरिस्ट को मना ना उसे ना पहुंचे भी जाओगे कि गवर्नमेंट रीजन में कोई फर्क ही पड़ेगा। अरे मेजरली कौन वॉच करता है सवेरे उठ के, आप पता नहीं देख रहे, हम जब घूमने जाएंगे तो देख लेंगे भाई कहाँ जा रहे हैं, जो स्टडी बेसिस पे जाते हैं हमारा कौन ऑफिस से। अरे तुम अपनी बात सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेजरली हर रोज इसका इंपैक्ट किसको पड़ रहा है, स्टूडेंट को नहीं पड़ रहा, स्टूडेंट तो गया एक बार ही चला गया बस, ठीक है उसने तो जाना है। रोज उठ के कौन देखता है कि डॉलर कितना हो गया, हम नहीं देखते, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इफेक्ट करता है, इसलिए पूछा हुआ भाई इस डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। इंपोर्टर इज द वन हु इज सिटिंग वेयर इन इंडिया, ठीक है। मैं इंपोर्टर हूँ, मैं पहले एक डॉलर के सामान के बदले में कितने देती थी, 30 रुपए, अब मैं सेम सामान के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, ज्यादा 70. Will I be motivated to import more? No, I will not be. मेरा पहले एक डॉलर के लिए 30 रुपए जाते थे, जेब से ज़्यादा जाते हैं। I will be demotivated to import. तो मेरे imports क्या हो गए? कम. Okay. Let's talk about exporter. Exporter पहले यहाँ से 3 packet chips लेता था, ऐसे ही समझना, नहीं तो confusion रह जाती है। पहले यहाँ से 3 packet chips लेता था तो कितने देता था? अब 7 packet ले जाता है तो कितने देता है? He is very happy. वो मेरी कंट्री से ज्यादा सामान खरीद सकता है, उसे मेरी कंट्री का सामान चीपर लग रहा है पहले से। He will ask for more goods. Will he? Yes. So हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए। एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें फायदा होता है या नुकसान? फायदा। देखिए दो चीजें हैं, वन फायदा ही होता है अगर इस चैप्टर को देखें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आती ही जाती है, आती है इसमें जाती है, तो अब जाएगी कम आएगी ज्यादा, एक तरह से तो अच्छा है एक तरह। लेकिन नुकसान क्या है, जो मेंशन कर सकते भाई,
लेकिन पहले 30 रुपए का सामान लेके उतना कमाते थे, अब इमेजिन जब हम इंडिपेंडेंस पर, ये देखो कितनी चलाकी मारी उन्होंने, क्यों हमारी वैल्यू बढ़वा रहे हैं हर बार। पहले 1 रुपए का लोहा बेचते थे हम, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, आयरन। पहले 1 रुपए का आयरन बेचते थे तो 1 डॉलर कमाते थे 70 साल पहले। अब 70 साल बाद हम 70 रुपए का आयरन बेचते कितना कमाते हैं, सेम अमाउंट। हमारे 70% रिसोर्सेज, जो चीजें अंग्रेज यहाँ से उठाकर लेकर भाग पाए भाग गए, जो नहीं ले जा पाए वो ऐसे ले जा रहे हैं। Why? Asking us to depreciate our currency. हम दोबारा नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। Because there are many factors which are responsible for appreciation. Number one, जा सकते हैं। हमें strong होना होगा equally. उसके लिए हमारे reserves watch किए जाते हैं। हमारे reserves हैं। हमारी political stability सबसे पहले। पहली government का चाहिए, और बात सुनो। ये depreciation गवर्नमेंट खुद भी कर देती है, खुद ही कर रहा है ना, उसने बोला भी बता रही थी। अब भी अब पीछे से तो करी मनमोहन सिंह ने, आई थिंक 2011 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2011 में ये किया था। ये क्यों किया, हमारे पास रिजर्व्स हो गए थे कम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए। अब कम हुए तो चाहिए तो है, ऑयल लेना है सब है, उधार मांगने की बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू कर दी। आपको समझ आ रही है, करेंसी डीवैल्यू करते ही उन्हें पता था एक्सपोर्ट क्या होंगे, फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगी और ये नहीं जाएगी, इसलिए ठीक हो जाएगा। ये मेजर लगाया करंट गवर्नमेंट ने, थोड़े से रूल चेंज किए, वो कहते अपने आप को इडियट वीक करने की बजाय फॉरेन से क्यों नहीं एफडीआई मंगाते, वो किस पे आएगी, फॉरेन एक्सचेंज में ही तो आएगी। रादर देन अपने आप को कट करते जाओ, अपनी वैल्यू घटाते जाओ, प्रेफर टू डू व्हाट, आस्क फॉर मोर एफडीआई। तभी तो जब से मोदी जी ने चार दिया वो दुनिया ही घूम रहे हैं, क्यों, सैर करने के लिए नहीं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। चलो वो तो मैं तुम्हें कहता, मैं कहता माल जानी है, माना जाता है कि वो वैसे उन्हें स्टडी कीजिए, सिर्फ हम बताएं हमारी परसेप्शन। तुम अगले नेक्स्ट वोटर हो, डू नॉट बी इन दी, हेलो फोन छोड़ दो, डू नॉट बी इन दी इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स में आपके पेरेंट्स और टीचर्स दोनों आते हैं, हम वही बात बिलीव करते हैं जो हमारे सामने डिस्कस होती है, और घर में ज्यादातर डिस्कस होती है मोदी ने ये करता मोदी ने वो करता। हम सारे सेल्फ सेंटर ना होकर, हम हमारी प्रॉब्लम होता है इंडियन इशू से क्या रही है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तभी तो हम कभी इकट्ठे हुए नहीं, इकट्ठे हुए नहीं तो इसीलिए लोग फायदा उठा रहे। ऐसा सोचने की बजाय अगर ये देखें कि कंट्री के लिए क्या किया, कंट्री को किने लाना, साढ़ा नुकसान करता है तो पागल होता है, लेकिन हम उसकी पॉलिसीज को डाउन द लाइन 15-20 साल बाद इमेजिन नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो या तो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिस्ट से को सुनते हैं ये जानते हैं, लोकल तो सब एक दूसरे से मोदी ये मोदी वो, है ना। मतलब हम उस इडियट राहुल गांधी को वोट कर देंगे लेकिन मोदी को नहीं, क्योंकि मोदी ने हमारे डिमोनेटाइजेशन कर दिया। मोदी और कौन आएगा, अगर कांग्रेस है कि तो कौन आएगा, राहुल दत्ता होगा, है ना, नकुल सबको ही आएगा। और मैं तो ये भी सोचा हुआ है, जिस दिन राहुल गांधी को वोट हो गई मैं तो कंट्री छोड़ जानी है, किसी को बाहर जाके बोलो कि राहुल गांधी साडा प्राइम मिनिस्टर है, ओ गॉड सॉरी, सुसाइड कर ले बंदा उससे, सब व्हाट जरूर आ जा सच्ची में, व्हाट, अरे भूल जाओ बेटे, अगले 15 साल भूल जाओ उसको, 15-20 क्या वो तो जनरल भूल जाओ, वो तो कभी नहीं। राहुल गांधी इज नो कैलिबर टू कम एज प्राइम मिनिस्टर, एनएसएस का फुल फॉर्म उसे पता नहीं, उनकी अपनी स्कीम है नरेगा उसके बारे में उसे पता नहीं, क्या वो भी 10 साल नहीं, अगले 5 साल वो भी उसके बाद ही होगी, बस ये रिमेम्बर। आज चलते हैं हम वापस इस पे आते हैं, पॉलिटिक्स की बात में। हाँ जी आगे, जो मटेरियल की ऐड के हैं कॉस्ट को, जैसे ग्लोबल में हमने जो चीज ली है मटेरियल की कॉस्ट तो सेम ही रहती है ना, जैसे कि वहाँ पे $2 की कोई चीज होगी तो $1.40 हो तो परचेजिंग पावर कैसे लेने को तैयार कर रहे हैं, वो हम नहीं अभी कर रहे हैं, उसमें रियल परचेज पावर कितनी होगी, है ना, पहले कितनी होती थी वो उसमें है टॉपिक में लिखा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बार तो कभी ऐसे समझना हो तो समझा दिया जाएगा। परचेजिंग पावर इज डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट, मेरी बात है समझ में, हम यहाँ से डॉलर वहाँ ले जाकर कितना खरीद पाएंगे इज व्हाट इज परचेजिंग पावर।
हम अपनी करेंसी सपोजिंग मैंने अमेरिका जाना है तो क्या 50,000 हमारी इंडियन करेंसी में ना जिन के फोन चल रहे हैं ना पढ़ते हुए If I will take it, I am not going to return. मैं बार-बार बोल कर चुकी हूँ, अगली बार example set कर देंगे. Now, if I have to go to America for whatever reason, say tourism, मेरी country में घूमने के लिए आके 50,000 is okay. But क्या America में घूमने के लिए 50,000 नहीं? वहाँ हम क्या check करेंगे purchasing power? भाई वहाँ जाकर इस 50,000 में हम कितना खरीद पाएंगे इस gold purchasing power? लेकिन मैं यहाँ से 50,000 लेकर कितने डॉलर लेके आऊंगी वो क्या है एक्सचेंज सो हम परचेजिंग पावर अभी डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है ओके